हेलो बच्चों बच्चों, आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आज आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म करा दूं। तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो बच्चों देखो, इसका फॉर्मूला पहले कैसे बनता है, पहले मैं बता दूं आपको। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, अपॉन में सॉरी 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 अपॉन में टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनता है। मतलब भाई क्या, शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे में समय। कैसे बच्चों? अब सीधी सी बात सोचो, आप कोई भी काम करोगे तो काम करने के बाद टाइम खर्च होगा कि नहीं होगा आपका? और जब टाइम खर्च होगा तो उसके साथ साथ आपकी पावर, आपकी शक्ति भी खत्म होती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप भाई एक काम कुछ भी करो, अगर आप भाई लिखने का ही काम कर रहे हैं, बहुत देर तक लिखते रहोगे तो आपकी उंगलियां भी दर्द करने लगेंगी। सही बात है, आपने लिखना शुरू किया तो मतलब आप क्या कर रहे हो, काम करना शुरू कर रहे हो अपने हिसाब से। ठीक है, साइंस के हिसाब से तो भाई देखो कोई भी चीज काम है ही नहीं। ठीक है, किया गया कर रहे, तो भाई क्या क्या आपने काम करना अगर शुरू किया तो काम करने के बाद आप टाइम भी खर्च कर रहे हो। एक पेज लिख रहे हो, दो पेज लिख रहे हो, 10 पेज लिख रहे हो। तो जब काम करोगे तो टाइम भी खर्च होगा, और जब टाइम खर्च होगा तो आप धीरे 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 आप क्या होगा, आप लिखने में भाई इतना वो हो जाओगे कि आपको धीरे धीरे दर्द भी फील होने लगेगा कि भाई अब मेरी शक्ति खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि जब आप काम करोगे, टाइम खर्च करोगे, तो हमारी पावर भी कंजम्पशन जाती है, पावर भी खर्च की जाती है। तो इसी को कहा जाता है भाई पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए काम करेगा कुछ समय खर्च करके, तो अपनी क्या खर्च करता है, शक्ति खर्च करता है, पावर खर्च करता है। ठीक है, आप इसका ऐसा यूनिट अच्छे से जानते हैं, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। इसी तरह टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है भाई क्या, सेकेंड। ठीक, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, नया नया बता देता हूं भाई, इसका ऐसा यूनिट होता है वॉट। इसका यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, डब्ल्यू से डिनोट होता है। ठीक, तो इस तरीके से पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और बच्चों पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही नहीं रुकता, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के 3 नए फॉर्मूले और भी होते हैं। कैसे होते हैं, आइए सीखते हैं। तो देखो, पहले आप ये देखो, आपको मैंने कुछ बेसिक्स पढ़ाए थे, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। फिर मैंने आपको पढ़ाया था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये भी एक फॉर्मूला था, किसका, करंट का। और फिर एक पढ़ाया था ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। इन सबसे हमें यूज करना है इसका फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्या, टी। हमें बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करके इसके 3 और फॉर्मूले बनाने। तो कैसे बनाएंगे, देखो, पी इज इक्वल टू भाई डब्ल्यू की वैल्यू यहां से निकालो, तो क्यू यहाँ डिवाइड कर रहा हूं, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो क्यू की वैल्यू आ गई वी इंटू, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई वी इंटू में क्यू। डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, वी इंटू में क्यू। तो लो जी, डब्ल्यू की वैल्यू वी इंटू में क्यू। टी की वैल्यू यहां से निकाल लो, टी की वैल्यू निकालनी है तो टी यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, वहां जाके यहाँ डिवाइड कर रहा, वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, आई के साथ। ठीक, और फिर हमें वैल्यू तो भाई टी की निकालनी है, तो आई यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, वहां डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब आई, ये टी की वैल्यू आ गई आपके पास क्यू अपॉन में आई। क्या आ गई, क्यू अपॉन में आई। तो बस टी की जगह पे क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में आई। अब आपको मैंने बताया ही है कि किसी भी कंटेंट के नीचे ये होता है हमारा क्या, एक फ्रैक्शन वैल्यू, और वो अगर फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो पलट जाती है, और ये पलटेगी बच्चों तो P इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और ये पलटने पे I ऊपर आ जाएगा, Q नीचे आ जाएगा, Q से Q कट गया, तो P इज इक्वल टू V इंटू I। पहला फॉर्मूला हमारा ये बना, क्या बना, P इज इक्वल टू V इंटू I। अब हम बनाएंगे सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू, हाँ जी, V इंटू में आई। तो देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है, V किसके बराबर होता है, ओम्स लॉ के हिसाब से आई आर। तो क्या मैं V की जगह पे आई आर रख सकता हूँ, जी बिल्कुल रख सकता हूँ। तो P का अगला फॉर्मूला बना I स्क्वायर R, फॉर्मूला नंबर 2। बच्चों फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 लास्ट फॉर्मूला। अब जिस तरीके से बच्चों मैं I की वैल्यू, V की वैल्यू रखी, उसी तरह मैं I की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कैसे, R यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो I की वैल्यू हो गई V अपॉन R। ठीक है, तो P इज इक्वल टू V इंटू I था, और मैंने अभी अभी देखा कि I की वैल्यू क्या निकल सकती है, V अपॉन में R। तो इसका मतलब P मल्टीप्लाई वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये 3 नए फॉर्मूले और आ गए आपके सामने, ठीक है, और ये सब के सब फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर पर होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसका ध्यान रखना कि ये सारे के सारे जो रूल्स बनाए गए हैं
कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्थिर ताप पर बनाए गए हैं। किस पर बनाए गए हैं? स्थिर ताप पर। ठीक है, चलिए ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सॉरी नेक्स्ट कंसेप्ट में मैं आपको आगे के टॉपिक्स कराता हूँ एनर्जी के। नोट कीजिए, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे बच्चों, अब आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू में टाइम, पावर इंटू में टाइम। ठीक है बच्चों, और ये पावर इंटू में टाइम जो है बच्चों, पावर इंटू में जो टाइम है ये क्या होगा, देखिए E बराबर होगा P इंटू में T। E बराबर क्या होगा? P इंटू में T। ठीक है, अच्छा अब ये जो P इंटू में T है, जो पावर है आपका, तो आपको अच्छे से पता है बच्चों कि E इज इक्वल टू P इंटू T क्यों लिखा मैंने यहाँ पे बड़ा वाला T क्यों लिया, क्योंकि P है आपका पावर और T है आपका बड़ा वाला टाइम। तो भाई जब आप पावर खर्च करेंगे तो टाइम भी खर्च होगा, और क्या जब आप कई घंटे में, कई आवर्स में आप अपने टाइम को खर्च कर रहे होंगे, कई आवर्स में अपने टाइम को जब खर्च कर रहे होंगे, तो वो सारी क्या होगी बच्चों? वो सारी आपकी एनर्जी खर्च हो रही होगी। मतलब अगर मैं इस ऊपर वाली जलने वाली लाइट को मैं 10 घंटे तक जलाऊं, तो क्या कर रहा हूं भाई? पावर को बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च कर रहा हूं, तो वो एक तरह की क्या खर्च कर रहा है? एनर्जी खर्च कर रहा है। तो इसलिए बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला बनता है पावर इंटू में टी, और यहाँ पे बड़ा वाला टी है, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, क्या है बच्चों? आवर है। क्या है? आवर। ऐसा यूनिट क्या है? आवर। पावर की आपको ऐसा यूनिट पता ही है, वाट। ठीक है, लेकिन बच्चों एनर्जी की ऐसा यूनिट पता है कभी नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे पता है क्या पूछेंगे? एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट क्या होती है? व्यावसायिक इकाई क्या होती है? आपसे क्या पूछा जाएगा कि बच्चों एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, व्यवसायिक इकाई क्या होती है? तो आप तुरंत बताएंगे किलो वॉट आवर। क्या बताएंगे? किलो वॉट आवर। क्या होता बच्चों? किलो वॉट आवर। जो आपके घर में आती है ना बिजली का बिल आता है ना भाई, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 50 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, तो जो यूनिट होता है ना, वो याद रखना क्या होता है कि एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर। यानी अगर आपके घर का बिजली का बिल 200 यूनिट आता है, तो इसका मतलब 200 किलो वाट आवर आपने खर्च किया है। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों बात? अब ध्यान दीजिएगा, इधर जरा ध्यान दीजिएगा कि भाई कमर्शियल यूनिट में कितना काम होता है, यानी एनर्जी में हम लोग कितना काम करते हैं, कितनी एनर्जी खर्च करने पे कितना काम करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ जी बच्चों, 1 किलो वाट में होते हैं 1000 वाट। ठीक है, 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और ये भी ध्यान देना, और ये भी ध्यान देना कि भाई एक आवर में मिनट कितने होते हैं? 60। लेकिन सेकंड कितने होते हैं? और 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी कि 1 किलो वाट में 1000 वाट, जबकि 1 आवर में 60 × 60 360 सेकेंड्स इतना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये काम कितना करते हैं, तो आपसे बताना है 1 किलो वाट आवर, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 × 3600, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 3600, और ये 3 0, इतने जूल। ठीक, तो 1 किलो वाट आवर में कितना करता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, यानी कि 36 लाख जूल काम होता है। लेकिन बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 36 × 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो भाई क्या होगा? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 36 × 10^5 जूल। लेकिन बुक में आपको कैसा लिखा दिखेगा? 1 किलो वाट आवर, और भाई यहाँ पे 36 की जगह 3.6 होगा। आप देखो पॉइंट मैंने जबरदस्ती लिया है, तो पॉइंट जबरदस्ती लिया है, तो इधर पावर एक्स्ट्रा कर दो, तो पावर कितनी हो जाएगी? 6।
ठीक है, ठीक। तो ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लेकिन मान लो ऑप्शन में आ गया कि 1 किलोवाट आवर में भाई इसके हिसाब से आ गया 0.36 × 10^10, तो अब कितना होगा? तो एक बात याद रखना बच्चों, पावर 5 तो है ही, पावर 5 तो फिक्स मान लो, ठीक। अब बचा क्या भाई, एक पॉइंट फिक्स किया तो एक पावर बढ़ा दी, दो पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो कितनी पावर बढ़ा देंगे, दो बार बढ़ा देंगे, तो 7 में 2 बार, 5 में 2 बार बढ़ा दो कितना, तो 0.36 × 10^7 जूल। और मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.036, तो बताओ 10^5 तो फिक्स है ही, कितने पॉइंट शिफ्ट किए मैंने, 3 पॉइंट शिफ्ट किए, तो 3 बढ़ा दो, तो 5 में 3 बढ़ाओगे 8, तो इतने जूल। कोई भी परेशानी है इसमें, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जूल की कैलकुलेशन करते हैं। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बताता हूं इसके। ठीक है, तो ये खत्म हो गया बच्चों, एनर्जी खत्म। ठीक है, अब देखिए, अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, वो देखेंगे जरा सभी बच्चे। हाँ जी, चलिए अब देखेंगे जरा हीट। अब क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल। क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल? जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ कि जब बच्चों हमने जूल का तापन नियम आप पढ़ रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनना, जूल क्या है, काम है। जूल क्या है, एक तरह का काम है, और काम जो होता है बच्चों, आपको अभी मैंने तीन फॉर्मूले बताए, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, एक फॉर्मूला अगला आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और तीन वी इज इक्वल टू आई आर। ये तीन बच्चों हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं, और इसी के बलबूते हम लोग पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा, डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, सच बात है बच्चों। वही सेम चीज यहां पे ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, इधर मतलब किधर, इधर, ठीक, इधर मतलब किधर, इधर मल्टीप्लाई करेगा, और ये क्यू, और ये तो है ही पहले से सही। चलो अब मुझे एक बात बताओ, वर्क, वर्क अभी किसके बराबर दिया गया आपको, वी इंटू क्यू के, भाई हमें काम निकालना है, तो वी किसके बराबर है, आई आर, और क्यू किसके बराबर है, आई इंटू टी, ठीक है। तो डब्ल्यू आई इंटू आई, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब एक बात बताओ, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, मतलब क्या, आई भी काम कर रहा है, आर भी काम कर रहा है, टी भी काम कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जब करंट और रेजिस्टेंस दोनों एक साथ काम करेंगे ना, तो याद रखना हमेशा काम के बदले में हमें क्या मिलेगा बच्चों, हीट मिलेगी। हमेशा काम के बदले में क्या मिलेगी, हीट। तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू टी, क्या होता है, आर इंटू टी। जरा ध्यान से समझेंगे अब इस चीज को, कि भाई एच, अब एच जो है आई स्क्वायर आर इंटू टी है, तो इसका मतलब एच जो होगा आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या समझाया था मैंने, कि अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, करंट घटेगा तो हीट भी घटेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से सुनेंगे, तो क्या है, ध्यान से सुनेंगे इसको। अब एक बात बताओ, अगर मैं करंट को डबल कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए, यही है ना आपके पास, आपके पास ये है, अगर मैं करंट को डबल कर देता हूं तो हीट में क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है, चार गुना, क्या पड़ने जा रहा है, चार गुना। लेकिन अगर मैं
हीट को, सॉरी करंट को हाफ कर देता हूं, तो देख रहे हो क्या हो रहा है, वन और टू का स्क्वायर फोर, यानी हीट क्या हो रहा है, चौथाई। तो बच्चों अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम पढ़ रहे थे कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस घटेगा तो हीट भी घटेगा, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने कि रेसिस्टेंस को डबल तो हीट भी डबल, रेसिस्टेंस आधा तो हीट भी आधा, यही था। लेकिन बच्चों यहां पे क्या है, यहां सारी टर्म आपको स्क्वायर में दी गई है, सारी टर्म किस में दी गई है, स्क्वायर में। मतलब अगर एक बार आपने वैल्यू रख दी तो वो चेंज कैसे होगी, उसके स्क्वायर के टर्म में। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप करंट को डबल करते हैं तो डबल का स्क्वायर हीट क्या हो जाएगा, चार गुना। अगर आप करंट को आधा करते हैं तो आधे का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, चार गुना। वही अगर करंट को तीन गुना करते हो तो तीन का स्क्वायर नौ गुना, ठीक है। करंट को तिहाई करते हो तो इसका 1/9 हिस्सा। तो इस तरीके से बच्चों ये जूल का हीटिंग इफेक्ट काम करता है, और सेम कंडीशन यहां भी कि जितना टाइम खर्च करोगे हीट भी उतना खर्च होगी, जितना टाइम कम खर्च करोगे हीट भी उतनी कम खर्च होगी। टाइम डबल तो हीट भी डबल, ठीक है, टाइम हाफ तो हीट भी हाफ, सही बात है। तो इस तरीके से बच्चों आपका मैंने ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से खत्म कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर अब कुछ बेसिक टॉपिक्स रह गए हैं, वो सारे बेसिक टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से खत्म कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे आगे के कंसेप्ट कराऊंगा और आगे की बातें बताऊंगा, फिलहाल ये नोट कर लीजिए।